मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, क्योंकि आज वेडनेस डे है, आज हमारा कंप्यूटर का टर्न है। और कंप्यूटर में हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या होती है, ये हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, इसके एडवांटेज के बारे में बात की थी। अब हम कर रहे थे टाइप ऑफ नेटवर्किंग के बारे में बात, है ना, कि किस तरह से नेटवर्किंग, मतलब हमने बहुत सारे जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया एक मेन सर्वर से, और सर्वर मतलब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके फिर उस कनेक्शन को हमने सर्वर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, लैन होता है। एक लोकल एरिया में मतलब कुछ कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि वो एक दूसरे का एड्रेस ले पाए, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर पाए। बाइंड एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं हम बैन। बाइंड मतलब बड़ा, ठीक है। तो मतलब समझ जाइए इसको कि बाइंड एरिया नेटवर्क हैज कनेक्टिविटी सेपरेट ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, किसी ज्योग्राफिकल एरिया है ना। ऐसे अभी हम बात करें, आपने शायद न्यूज में देखा होगा अभी कि क्या बताऊं मैं आपको, कि एक दिल्ली रीजन का जो है, वहां का जो सर्वर नेट बंद कर दिया गया है, है ना। तो ऐसा क्यों, वो किसी रीजन से हुआ है, लेकिन ऐसा मतलब किस वजह से हुआ है, क्योंकि वहां पे जो उस एक पर्टिकुलर एरिया में जो कनेक्ट जो कंप्यूटर, जो मोबाइल कनेक्शन था, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे डिवाइसेस, वो किससे जुड़े थे, थ्रू बैंड। सैटेलाइट ब्रिज दैट कनेक्ट लैन द मेन वाज प्राइमरी फंक्शन द टू अलाउ डिस्टेंट पीपल टू शेयर कम्युनिकेशन टू लेट डिस्टेंस पीपल एंड मैसेज टू ईच अदर। इंटरनेट इज प्रॉबली द बेस्ट नॉन बैन। इंटरनेट इज द सम ऑफ द स्मॉलर नेटवर्क कनेक्टेड टू ईच अदर एंड यूज TCP/IP, इसको हम बोलते हैं, मतलब जो इंटरनेट है वो सम ऑफ द स्मॉलर नेटवर्क कनेक्शन होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ इंटरनेट स्मॉलर नेटवर्क कनेक्शन कनेक्टेड टू इच अदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसके थ्रू, आईपी और टीसीपी के थ्रू। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर दैट आर डिजाइन और यूज फॉर नेटवर्किंग आर कॉल्ड सर्वर्स। कंप्यूटर दैट आर डिजाइन और यूज फॉर नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम सर्वर्स बोलते हैं। लेजर प्रिंटर एंड अदर प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स कैन बी कनेक्टेड टू नेटवर्क फॉर द कॉमन यूज। मतलब कोई भी इक्विपमेंट है ना, जैसे अभी हम बात करें कि आपके किसी ऑफिस में, किसी बैंक में बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, उसके बीच में एक प्रिंटर हो सकता है, है ना। सभी के वो कमांड उसी, मतलब सभी के जो प्रिंटर हैं वो उसी से निकले। द मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन लाइन्स आर टू एक्सिकल केबल्स और फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो वो किससे जुड़ सकते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल से। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, मतलब दो लैन जुड़े हैं छोटे छोटे, ठीक है, और वो दोनों लैन जो है वो किससे जुड़े हैं, बैन से जुड़े हैं, ठीक है। अब आती है, बात करते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन मतलब आपने सुना होगा एक वर्ड, मेट्रो सिटीज, है ना। मेट्रो सिटीज कौन सी होती है, मूवीज में आपने सुना होगा, न्यूज में आपने सुना मेट्रो सिटीज। तो मेट्रो सिटीज की हम बात करें तो कौन कौन सी मेट्रो सिटीज होती है, क्योंकि ऐसे मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछूं तो आप बोलोगे सर बात करें तो दिल्ली मेट्रो सिटी है, चेन्नई मेट्रो सिटी है, दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटी है। तो ऐसे कुछ आप मुझे बड़े नाम गिनाओगे जो बड़े शहर हैं उनकी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मतलब एक क्राइटेरिया होता है
एक इसको पॉपुलेशन का भी क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि वो जब कोई सिटी है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दी है तो उसको मेट्रोपोलिटन मेट्रो सिटीज हम उसको बोलने लगते हैं। तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मतलब उसको आप ऐसे ही समझिए, क्या लिखा है हम उसको पढ़ते हैं। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कवर एंटायर सिटी यूजिंग द लैन टेक्नोलॉजी। जो लैन टेक्नोलॉजी देखिए, बेसिक फंक्शन तो लैन का ही है, लैन से फिर वो वैन बन जाएगा, वैन से भी वो बहुत सारे वैन उनके में वो मैन बन जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ द मैन यूज ब्रॉडबैंड को एक्सिनर केबल्स और ट्रांसमिशन मीडिया सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोनी, क्या बोलते हैं हम इसको, सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोनी। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैन, क्या है उसका एग्जांपल है मैन का। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम देखिए, यहाँ पे बहुत सारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जो आपसे जुड़ी हैं थ्रू लैन, छोटे छोटे लैन हैं वो वैन से कनेक्टेड है, वो वैन वो किससे कनेक्ट है, मैन से कनेक्ट है। टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन टेपोलॉजी। अब हम एक बात कर रहे थे शुरुआत में, जो मैंने आपसे बात की थी टेपोलॉजी की, शायद आपको याद हो। तो टेपोलॉजी क्या होती है उसको थोड़ा समझिए, और इसके बेस पे कैसे कौन से कनेक्शन होते हैं, टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क मींस हाउ डिवाइस आर कनेक्टेड टू नेटवर्क नोड्स, मतलब जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, आर अरेंज, और वो किस तरह से अरेंज है, बस में है, लीनियर में है, रिंग में है, स्टार में है, और द कॉमन टोपोलॉजी, अर्थात मतलब कुछ कॉमन टोपोलॉजीज हैं। तो बस टोपोलॉजी समझिए क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक मेन सर्वर होता है, उस सर्वर से ऐसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ना, एक मेन सर्वर है, ठीक है, और फिर उससे कंप्यूटर कनेक्टेड है। रिंग, रिंग में क्या होता है, गोल में एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरा, तीसरा चौथा, इस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं गोल उसमें सर्कल में। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपसे कुछ कनेक्टेड कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है, फिर उस हब से दूसरा हब कनेक्ट है, फिर उससे कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है, इस तरह से। अब हर अभी सभी का सभी टेक्नोलॉजी का अपना एक एडवांटेज है और अपना एक डिसएडवांटेज है। क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है ये आपको पढ़ना है, और ये आपको आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम मतलब कोई ऐसा लगता है आपको, तो मैं हम इस बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इसको एक बार रीड करें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये टोपोलॉजी है जो आपको आगे तक पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू।